हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है, 5.3 का क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड तक गाइस इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ का कह रहा है हमारा एपी दी हुई है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, हमें एपी दी हुई है ये 9, 17, 25, ठीक है, डैश डैश डैश। कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636, हमें सम दिया हुआ, ठीक है, इस एपी का 636, मतलब हमें एसएन दिया हुआ है 636, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन, मतलब हमें कह रहा है कि कितनी टर्म्स हम लें, मतलब हमें एन निकालना है। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स विल बी टेकन, मतलब कितने टर्म्स हम लें, कितनी टर्म्स लेने का मतलब है एन निकालना, टर्म्स निकालना मतलब हमें एन निकालना, ठीक है। तो एन कैसे निकलेगा, वही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। एस एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू में डी। तो एस एन क्या हमें दिया हुआ है 636 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एन एन हमें निकालना, तो वो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है। फिर टू इन टू में ए, ए क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू 9 है, फर्स्ट टर्म हमारी 9 है, तो टू इन टू में 9 प्लस एन माइनस वन, एन हमें निकालना, तो ऐसे वैसे ही डी क्या आएगा, देखो डी आएगा 17 माइनस 9, कितना आ गया 8, ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो ये इज इक्वल टू आ रहा 636 सही है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा एन बाय टू, टू इन टू में 9 कितना हो गया 18, प्लस ये 8 को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसके साथ 8n माइनस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 636 है, ठीक है। ये इज इक्वल टू की जगह इधर लिख दिया ना मैंने, तो अब क्या करेंगे, तो अब गाइस इस वाले टू, इस टू को मैं ऊपर ले जाऊंगा, क्या करूंगा, इस मतलब इस वाले टर्म को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो टू का मैं इसमें मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, डिवाइड बाई टू लिखेंगे, तो इस टू को मैं ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 636 इन टू में टू, ठीक है। बाकी एन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 18n प्लस एन का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 8n² - 8n, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ये 636 इन टू में टू क्या आएगा 1272, ठीक है। और ये 18n में से मैं 8n माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 18n में से मैं 8n माइनस करूंगा तो 10n आ जाएगा, ठीक है, बाकी 8n² ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। तो गाइस आगे क्या करेंगे, अब हम देखो 8n² प्लस 10n इज इक्वल टू 1272 आ गया हमारा। अब इसमें से मैं देखो इसमें से इन तीनों में से क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, मैं इन तीनों में से वो कॉमन ले लूंगा, टू कॉमन मिल रहा है, देखो जैसे मुझे टू कॉमन ले लिया, 4n² + 5n = यहाँ भी टू कॉमन मिल रहा है 636, ठीक है। मैंने कॉमन इसलिए लिया तो कि ताकि यही मतलब मैं ना हमेशा छोटा करता हूँ सम को, ठीक है, कॉमन लेके अभी देखो ये कट जाएगा तो ये सम मेरा छोटा हो गया, 4n² + 5n = 636, ये हो गया, छोटा हो गया ना, तो मैं छोटा करता हूँ हमेशा सम को। अब इसको मैं 636 को इधर ले आता हूँ, क्या आएगा 4n² + 5n - 636 = 0, ठीक है। अब आप इसको किसी भी फॉर्म से कर लो, मैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। इसमें क्या करेंगे, देखो जो हमारा एन आएगा, एन होगा एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ठीक है, फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, मैंने आपको कराया, जिसने जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड नहीं आता वो वीडियो देख ले जाके, ठीक है। तो d क्या होता है यहाँ पे, d इज इक्वल टू b² - 4ac होता है, ठीक है। यहाँ से हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, हमें n की वैल्यू तो निकालनी है, तो पहले d की वैल्यू क्या आएगी, d की वैल्यू निकालेंगे, ये होता है हमारा a, ये होता है हमारा b, ये होता है हमारा c, ठीक है। तो यहाँ पे बी ए सारी डाल देंगे, यहाँ पे बी की जगह क्या आएगा 5, बी बी की जगह 5, 5² - 4 इंटू में ए क्या है 4, इंटू में सी क्या है -636, ठीक है। तो कितना आ गया 25 -4, ये माइनस इंटू में माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, तो 4 × 4 × 63 कितना आ जाएगा 63 × 16 होता है 10176, ये आएगा 10176, ठीक है। 63 × 16 ये 63 × 16 4 × 4 16 होगा ना, ये होगा 10176,
ठीक है, अभी 10176 में अपन 25 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10201, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या होगी हमारी, 10201। अब यहाँ पे d, b और a की वैल्यू सारे डाल देंगे तो हमारा n आ जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस बी, बी के हमारा 5 प्लस माइनस अंडर रूट टी, डी की वैल्यू क्या है 10201, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू में a कितना है 4, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब देखो 10201 गाइस, ये मुझे पता है ये रूट होता है 101 का, ठीक है, 101 का स्क्वायर होता है, देखो 101 का स्क्वायर होता है 10201, ये मुझे याद है, ठीक है। दो तीन ऐसे होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो आप इसको करके दे सकते हो, करके देखोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए याद रखना, ठीक है। 10201 का स्क्वायर होता है, 10201 का रूट होता है 101, ठीक है। देखो 10201 को रूट की जगह मैं 101 लिख दूंगा, प्लस माइनस ऐसे कैसे, यहाँ पे माइनस 5, वन में 2 इंटू 4 8, ठीक है, एन इज इक्वल टू आ गया। तो एन, तो यहाँ से एन क्या आ जाएगा, दो एन आएंगे, एक माइनस 5 प्लस, ये प्लस वाला पार्ट लेंगे पहले 101 बाई 8, एक जगह लेंगे माइनस वाला पार्ट, माइनस 5 माइनस 101 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 101 में से 5 गए तो कितना बचा हमारा 96, ठीक है, 96 बाई 8। तो n कितना आ गया हमारा, n इज इक्वल टू इधर तो आ गया 12 एक, और इधर क्या आएगा हमारा, इधर आएगा माइनस 106 बाई 8। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम काटेंगे 24 जा 253 जा, तो ये बस माइनस 53 बाई 4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा माइनस 53 बाई 4, ठीक है। n की दो वैल्यू आई हमारी, ठीक है, एक ये और एक ये, पर हम नेगेटिव वाली इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारी जो एपी होती है, एपी में हमारी नंबर ऑफ टर्म्स होती है एन, ठीक है, एन कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव थोड़ा हो जाएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स वो आ गई हमारी 12, तो 12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 12 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे एन ही तो निकालना था हमें, तो एन इज इक्वल टू 12 आ गया हमारा, ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ का कह रहा है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब 8, ए इज इक्वल टू 5 दिया, फर्स्ट टर्म हमारी ए होती है ना, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, ठीक है, लास्ट टर्म को मैं एल लिख देता हूँ, एल इज इक्वल टू 45, ठीक है, एंड द सम इज 400, ठीक है, सम जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 400, या इसकी जगह आप एस एन भी लिख सकते हो, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें एन निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे निकलेगा, मैंने देखा मुझे ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ और सम दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले एस एन लेके देखता हूँ, एस एन का मुझे फॉर्मूला पता है, एस एन का देखो एक फॉर्मूला मुझे पता है, एन बाय टू ए प्लस एल, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला। तो ए दिया हुआ है हमें, एल दिया हुआ है, और हमें एन निकालना है, एन निकल जाएगा, देखो एस एन की जगह मैं 400 लिख दूंगा, यहाँ पे इज इक्वल टू एन बाय टू, एन हमें निकालना है, ए और एल हमें दिया हुआ है, ए क्या है हमारा 5 प्लस लास्ट टर्म होती है हमारी 45, तो 45 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इज इक्वल टू एन बाय टू 50, ठीक है, तो 2 से 25 पे कट जाएगा, ठीक है। तो n क्या आ गया हमारा, n इज इक्वल टू 400, 400 के नीचे ले जाएगा ना 25, ठीक है, तो 25 ऐसे आ गया, तो ये कट जाएगा 5 से 25, 580 था, 5 1 5 1 5 6, तो n कितना आ गया हमारा 16, ठीक है, n हमारा आ गया 16, ये बस मैंने काटा है, ठीक है, n 16 आ गया हमारा। तो d क्या आएगा, अब देखो d कैसे निकालेंगे, अब हमें l दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमें 45 दी हुई है, लास्ट टर्म को मैं ए एन लिख सकता हूँ, ए एन इज इक्वल टू 45, हमेशा मैं लास्ट टर्म को एन लिख देता हूँ, आपको पता होगा पहले भी, ठीक है। तो लास्ट टर्म मैंने ए एन लिख दी, ए एन इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब इसमें मैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी लिख सकता हूँ, इसको इज इक्वल टू 45, ए एन का मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है, हमेशा लास्ट टर्म को ए एन लिख देते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो एन इज इक्वल टू 45, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू 45, ए की जगह क्या डाल दूंगा 5 प्लस एन की जगह एन मेरा क्या है 16, 16 माइनस वन कितना हो जाएगा 15, 15 डी इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 15 डी इज इक्वल टू 45, तो 5 इधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा 15 डी इज इक्वल टू 45 माइनस 5, तो डी कितना आ गया मेरा, ये 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो डी क्या आ गया हमारा 40/15, ठीक है, तो इसको काट दूंगा 5 3 15 5 8, तो डी कितना आ गया हमारा 8/3,
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिफ्थ भी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी 17 एंड 350, ठीक है। तो हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है 17 और लास्ट टर्म दी हुई है 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन में डी कॉमन डिफरेंस डी भी दिया हुआ है 9, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब हमें एन निकालना है, टर्म्स निकालनी है तो मतलब हमें एन निकालना है, ठीक है। एक तो हमें एन निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, सम मतलब हमें एस एन निकालना है, ठीक है। ये कह रहा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हमें निकालना क्या है इसमें, एन और एस एन निकालना है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले मैंने देखा हमें दिया क्या हुआ, एल ही दिया हुआ हमें, तो मेरा तो एल सी कुछ बन सकता है, तो मैं एल को एन ले लेता हूँ। एन इज इक्वल टू 350, ए एन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे ए एन की जगह लिख दूंगा मैं ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी इज इक्वल टू 350, ठीक है। ए एन की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया ए एन का, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है एन और हमें दिया हुआ है ए और डी, तो आ जाएगा देखो ए की जगह ए डाल दिया मैंने 17 प्लस एन, एन मुझे निकालना तो वो ऐसे कैसी डी की जगह 9, ठीक है, इज इक्वल टू 350, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, 17 प्लस 17 को इधर ले जाऊँगा, ठीक है, उस साइड ले जाऊँगा, तो ये n माइनस वन इन टू में 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17, ठीक है। अब 350 में से 17 नहीं तो कितना बचेगा, 333, ठीक है। तो ये 9 इसमें मल्टीप्लाई कर दूँगा कितना था, 9n माइनस 9, ठीक है, ब्रैकेट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 9, तो 9n इज इक्वल टू 333, माइनस 9 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस 9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 340 और 342, ठीक है, 9n इज इक्वल टू 342 आ गया हमारा। तो n कितना आ जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू 342 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब ये देखो काट के देखते हैं कटेगा तो, ठीक है, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12, ठीक है, 114 पे चला गया, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 8 24, तो एन कितना आ गया हमारा, 38, ठीक है। ये सारा मैंने काट दिया तो एन हमारा आ गया। एस एन, एस एन निकालना है, एस एन का मुझे फॉर्मूला पता है, जब मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होती है तो मैं छोटा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल वाला, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एन बाई टू, एन क्या है हमारा 38 बाय टू, 38 बाय टू इन टू में ए कितना है हमारा 17 प्लस एल कितना है हमारा 350, ठीक है। तब इसको मैं निकाल दूंगा, 38 बाय टू कितना होता है 17 इन टू में 17 प्लस 350 कितना होगा हमारा 367, ठीक है, 367। अब 367 इन टू में 17 कर देंगे तो हमारा ऐसा ना आ जाएगा, ठीक है, 367 इंटू में 17 करके देख लेता हूँ, देखो आप भी करके देख सकते हो, 7 7 49, 7 6 42, अरे यार 38/2 19 होता है ना, 38/2 19 होता है, तो भाई 19 इंटू में 367 करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है, 19 इंटू में 367 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिक्स भी हो गया हमारा कम्प्लीट।